नमस्कार दोस्तों, मैटर इन आवर सराउंडिंग के जो पांचवा पार्ट है इसमें आप सभी का स्वागत है और इसमें हम लोग जानेंगे लेटेंट हीट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं लेटेंट हीट होता क्या है। लेटेंट हीट मतलब होता है गुप्त ऊष्मा या छुपी हुई हीट। ठीक है, आप लोग एक चीज ऑब्जर्व किए होंगे इतना देर से जो मैंने पिछला वीडियो में बताया कि जब सॉलिड का स्टेट चेंज होता है लिक्विड में या फिर लिक्विड का स्टेट चेंज होता है गैसेस में। ठीक है, तो जैसे हम लोग वाटर की अगर हम लोग बात करें तो 0 डिग्री सेल्सियस पे सॉलिड आइस कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड पे। ठीक है, तो जब 0 डिग्री पे कन्वर्ट हो रहा होता है, स्टेट जब चेंज कर रहा होता है, तो उस समय टेम्परेचर राइज नहीं होता है। ठीक है, ये ऑब्जर्व करने का चीज था। जैसे ही आप लोग हम लोग हिट किए आइस को तो वो टेम्परेचर जैसे -10 था तो -10 से 9, 8, 7 ऐसे होते होते -1 आया, फिर 0 आया। 0 पे क्या होगा, वहां पे हम हीट प्रोवाइड करते जाएंगे लेकिन वहां से 0 से 1 नहीं होगा जब तक कि पूरा का पूरा जो आइस है वो कन्वर्ट नहीं हो जाता है वाटर। ठीक है, यहाँ पे हम लोग जो सॉलिड मैटर का जो एग्जांपल है वो आइस वाला ही ले रहे हैं, तो सॉलिड लिक्विड जो बात करेंगे यहाँ पे हम लोग वाटर का ही बात करेंगे। तो सॉलिड से जो लिक्विड चेंज हुआ ये 0 डिग्री पे चेंज होगा और वहां पे हम हीट प्रोवाइड करते जाएंगे लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं होगा जब तक कि सारा का सारा आइस कन्वर्ट नहीं हो जाता वाटर में। एक बार सारा वाटर में कन्वर्ट हो गया फिर 1, 2, 3 ऐसे ऐसे टेम्परेचर राइज होना शुरू हो जाएगा। तो जितना देर तक जो टेम्परेचर राइज नहीं हुआ, लेकिन हम तो हीट बाहर से प्रोवाइड कर रहे थे, उसको हीटिंग तो कंटिन्यूअस करते जा रहे थे, तो ये जो हीटिंग जो हो रही थी वो कहां जा रही थी, वो हीटिंग जा रही थी फेज को चेंज करने में, सॉलिड फेज को लिक्विड फेज को में चेंज करने में वो हीट जा रही थी और इसे टेम्परेचर राइज नहीं हो रहा था। ठीक है, तो इसी हीट को हम लोग कहते हैं लेटेंट हीट। ये दो बार होगा, पहला बार सॉलिड से लिक्विड में चेंज होगा तो भी वो टेम्परेचर रुका रहेगा 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस से जब वाटर में कन्वर्ट करेंगे, उसी तरह से वाटर को जब वाटर वेपर में कन्वर्ट करेंगे 100 डिग्री सेल्सियस पे तो भी टेम्परेचर जाकर रुक जाएगा। ठीक है, 99 से बढ़ेगा 98, 99, 100 पर रुकेगा, फिर रुका रहेगा वहां पे सारा वाटर चेंज होते जाएगा वेपर में, तब फिर वेपर का टेम्परेचर राइज होगा, उसके ऊपर टेम्परेचर नहीं जाने वाला नॉर्मल एटमोस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, इसके पीछे वाला पार्ट अगर आप लोग नहीं देखे हैं, मेल्टिंग क्या होता है, बॉइलिंग क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, केल्विन स्केल, ये सारा चीज मैंने इसके पिछले वाला वीडियो में और उसके पिछले वाला वीडियो में बता रखा है, तो वो आप डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, वहां पे आप देख सकते हैं। वैसे यहाँ पे हम लोग लेटेंट हीट का बात करें। अब डिफिनेशन की बात करें तो हीट एब्जॉर्ब और रिलीज ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर इज नोन एज लेटेंट हीट। जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, टेम्परेचर रुक जाएगा, हीट हम प्रोवाइड करते जाएंगे और वो हीट एब्जॉर्ब होते जाएगा। ठीक है, उसी हीट को हम लोग यहाँ पे लेटेंट हीट कहते हैं। लेटेंट वर्ड का मीनिंग ही होता है हिडन हीट। ठीक है, इस हीट से हमारा टेम्परेचर राइज नहीं होता है। ओके, और ये उल्टा प्रोसेस भी होगा, अगर हम लोग लिक्विड से सॉलिड में जाएंगे तो भी टेम्परेचर रुका रहेगा और वहां पर लेटेंट हीट जो हम लोग दिए थे वहां पर यहाँ पे वो रिलीज होगा। ठीक है, जैसे सॉलिड से लिक्विड में जाएगा तो हीट एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, तभी तो वो लिक्विड में जाएगा हीट ऑब्जर्व करके, लेकिन लिक्विड से जब सॉलिड में जाएगा तो हीट वहां पे रिलीज होगा, तब वो वापस से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। उसी तरह से वेपर वाला भी है। आगे और समझते हैं, तो यहाँ पे एक ग्राफ से समझता है। एक साइड पर ग्राफ है जो टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है। ठीक है, वाटर का यहाँ पे ऐसे यूनिवर्सल ग्राफ है यहाँ पे, लेकिन हम लोग वाटर को लेके चलेंगे और यहाँ पे जो है यहाँ पे हम लोग हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हीट हम लोग इसको बढ़ाते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग का टेम्परेचर राइज होगा इस वाले पॉइंट पे। ओके, और ये जो मेल्टिंग पॉइंट है इसको मान के चलिए 0 डिग्री सेल्सियस है। ओके, और यहाँ पे जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो हम लोग पहले हमारा जो आइस था वो सॉलिड स्टेट में था, वहां पर हम उसको हीट करते गए, हीट करते गए तो उसका टेम्परेचर यहाँ पे देखिए टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है, तो टेम्परेचर थोड़ा थोड़ा हीट करते गया, टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते यहाँ पे पहुंच गया 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यहाँ पे सॉलिड आइस है। ठीक है, अब 0 डिग्री सेल्सियस पे यहाँ पे लेटेंट हीट वर्क करेगा, हीट हम करते जा रहे हैं लेकिन टेम्परेचर में कोई राइज नहीं हो रहा है। आप देख रहे हैं मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री पे हम टेम्परेचर बढ़ाते हीट बढ़ाते जा रहे हैं लेकिन टेम्परेचर में कोई वृद्धि नहीं हो रही है, और यही होती है लेटेंट हीट। ओके, अब एक चीज और है, अब 0 डिग्री सेल्सियस पे सॉलिड आइस भी एग्जिस्ट करेगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड वाटर भी एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, जब तक कि पूरा वाटर कन्वर्ट नहीं हो जाता सॉलिड से लिक्विड में वो टेम्परेचर राइज होगा नहीं। ठीक है, तो 0 डिग्री पे क्या एग्जिस्ट करता है, तो 0 डिग्री पे वाटर भी एग्जिस्ट कर सकता है, 0 डिग्री पे आइस भी एग्जिस्ट कर सकता है। 0 डिग्री पे अगर आइस एग्जिस्ट कर रहा है और उसमें लेटेंट हीट डालेंगे त
तब वो 0 डिग्री वाटर में कन्वर्ट होगा। ठीक है, उसी तरह से फिर अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते चलेंगे, ठीक है, अब लिक्विड स्टेट में चेंज हो गया पूरी तरह से, अब हीट करते जा रहा है वो लिक्विड स्टेट, टेम्परेचर बढ़ते जाएगा, बढ़ते बढ़ते चला गया यहाँ जो बॉइलिंग पॉइंट है ये हमारा 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे आप देख रहे हो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ऑब्जर्व करो 100 डिग्री के बाद ये टेम्परेचर राइज नहीं हो रहा। अब पूरा का पूरा वाटर बल्क फेनोमेना, पूरा का पूरा वाटर कन्वर्ट होगा वेपर में, ठीक है, हीट करते जाएंगे वेपर में कन्वर्ट होते जाएगा। अब वेपर में कन्वर्ट होने के बाद फिर इसका टेम्परेचर राइज होगा। तो वाटर को अगर हम लोग 110 डिग्री सेल्सियस पे, लिक्विड वाटर एग्जिस्ट नहीं कर सकता, इसीलिए नहीं कर सकता क्योंकि उसके बाद तो वेपर एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, और यहाँ पे लेटेंट हीट के कारण यहाँ पे टेम्परेचर राइज नहीं हो रहा। और इसको हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे दो तरह के पे आप देखे थे ग्राफ पे टेम्परेचर रुक गया था, एक है मेल्टिंग के समय में, एक बॉइलिंग के समय में। तो उसी तरह से यहाँ पे जो लेटेंट हीट के दो टाइप होंगे, दो बार लेटेंट हीट आएगा किसी के फेज ट्रांसफर, सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस में दो बार आएगा जब जब फेज ट्रांसफर होगा। तो जब सॉलिड से लिक्विड होगा, जब फ्यूजन होगा, तो वहां पे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन उसको कहेंगे, और जब वेपर में चेंज होगा तो वहां पे भी टेम्परेचर रुकेगा, तो वहां पे हीट जो ऑब्जर्व हो रहा है उसको लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहेंगे। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन समझते हैं, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। 1 kg ऑफ आइस है, ठीक है, इसको हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं लिक्विड में बाय प्रोवाइडिंग एक्सटर्नल हीट, ठीक है, एक्सटर्नल हीट प्रोवाइड करेंगे, ये सॉलिड से लिक्विड में चेंज करेगा जो एट मेल्टिंग पॉइंट एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो वहां पे जो एक्सटर्नल हीट जो हम लोग प्रोवाइड किए उसी को लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं, ठीक है, और ये हीट उसमें चला जाएगा, उसके कारण टेम्परेचर राइज बिल्कुल भी नहीं होगा, सीधे फेज ट्रांसफॉर्म होगा सॉलिड से लिक्विड में, आइस से वाटर में। ओके, उसी तरह से हम लोग बात करेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है, द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड वाटर इंटू गैसेस स्टेट एट एटमोस्फेरिक प्रेशर, एटमोस्फेरिक प्रेशर मतलब कि नॉर्मल एयर प्रेशर पे, एट इस बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, तो उसको हम लोग लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहेंगे, जो हीट इस्तेमाल हुआ, हीट जो प्रोवाइड की एक्सटर्नली एट 100 डिग्री सेल्सियस पे, वाटर के लिए मैं बात कर रहा हूं, तो वो लिक्विड से गैसेस, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा एट इस बॉइलिंग पॉइंट, मतलब कि 100 डिग्री सेल्सियस पे 1 kg को कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, तो 1 kg को कन्वर्ट करना है 100 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड वाटर को वेपर में, तो उसमें जो हीट रिक्वायर्ड होगा उसको लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहेंगे, ठीक है। यहाँ पे हीट जूल में आप मेजर कर सकते हैं, यहाँ पे टेम्परेचर नहीं है, यहाँ पे हीट की बात हुई, हीट को हम लोग जूल में मेजर करते हैं। अब कुछ क्वेश्चन बना देते हैं, व्हाई आइस एट 273 केल्विन इज मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर, ठीक है। अब जैसे कि मैंने बताया 273 केल्विन है, इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं डिग्री सेल्सियस पे, तो -273 इसमें करेंगे 0 डिग्री सेल्सियस इसका आंसर हो जाएगा। ओके, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे ये क्वेश्चन बोल रहा है कि जो आइस है वो ज्यादा इफेक्टिव कूलिंग प्रोवाइड करता है देन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इसको समझने के लिए पहले हम ग्राफ पे चलते हैं, यहाँ पे बहुत आराम से यहाँ पे समझ में आएगा। अब जैसे आइस है जो कि 0 डिग्री सेल्सियस, वो आइस इस जगह पे, ठीक है, और यहाँ पे वाटर है जो कि 0 डिग्री सेल्सियस, वो वाटर का स्थिति यहाँ पे, ठीक है, बीच में तो सॉलिड और लिक्विड दोनों स्टेट मिलेंगे क्योंकि ये कन्वर्ट होते जा रहा है, लेकिन इस पॉइंट पे ये जो पॉइंट है यहाँ से अब टेम्परेचर राइज होना सब शुरू होगा, तो यहाँ पे लिक्विड में होगा लेकिन टेम्परेचर वाटर का 0 डिग्री, और ये इस पोजिशन पे अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, आप ऑब्जर्व कीजिए स्क्रीन पे, यहाँ पे तो जो आइस है, जो वाटर जो आइस के स्टेज में होगा, यहाँ पे अभी लिक्विड स्टार्ट शुरू होगा हीट करने पे, लेकिन अभी हुआ नहीं है, 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस है, ठीक है। अब जो बीच में जो है हीट जो हम प्रोवाइड करते हैं, तो 0 डिग्री जो वाटर होगा उसके पास तो हीट इकट्ठा हो गया ना, उसके पास तो हीट चला गया, लेटेंट हीट ऑफ जो फ्यूजन है वो तो चला गया, तो वो कहां से और ज्यादा ठंडा करेगा। अब अगर 0 डिग्री पे वाटर रहता, अगर इसको हम लोग चिलिंग कैपेसिटी, इसकी कैपेसिटी कितनी है चिल करने की, ठंडा करने की, तो ये तो पहले एब्जॉर्व करेगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को, उसके बाद टेम्परेचर धीरे धीरे राइज होगा, तो इसके पास तो ज्यादा मार्जिन है ना एब्जॉर्व करने का, ये चीज आप समझिए, यहाँ पे ज्यादा मार्जिन है ना एब्जॉर्व करने का हीट को, तब तो वो हीट को एब्जॉर्व करेगा तो लिक्विड स्टेट में चेंज करेगा, फिर टेम्परेचर राइज होगा। और वाटर अगर डायरेक्टली यहाँ पे, वो सीधे हीट को एब्जॉर्व कर लेगा और तुरंत टेम्परेचर राइज होने लगेगा उसका, वो जो लिक्विड वाटर वो यहां से स्टार्ट करेगा चलना,
ठीक है। और ये जो है जो सॉलिड आइस है 0 डिग्री, वो यहां से स्टार्ट करेगा, पहले तो वो पूरा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को अब्सॉर्ब करेगा, उसके बाद यहाँ पे धीरे धीरे लिक्विड में भी टेम्परेचर राइज होगा, और लिक्विड वाटर 0 डिग्री से डायरेक्टली यहीं से राइज होने लगेगा, ठीक है। तो ये अंतर हो जाता है इसमें, क्यों, जो वाटर है वो कम लेस इफेक्टिव होता है कूलिंग कैपेसिटी में एज कंपेयर टू आइस, अगर दोनों 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन पर रहेगा, ड्यू टू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो कि इसमें वाटर में आ जाता है और आइस में अभी नहीं आता है अगर 0 डिग्री पे ही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट प्रोड्यूस सेवरल बर्न, बॉइलिंग वाटर और स्टीम, ठीक है। तो यहाँ पे भी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन वाला कंसेप्ट काम करेगा, कौन सा ज्यादा जलाएगा, किससे अगर हमें जल जाता है तो हमें ज्यादा बर्न होगा, स्टीम से या फिर बॉइलिंग वाटर से। अब बॉइलिंग वाटर यहाँ पे और स्टीम दोनों की बात हो रही है, अब ध्यान दिया, बॉइलिंग वाटर कब बॉइल होगा 100 डिग्री सेल्सियस पे, स्टीम कब निकलेगा 100 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। तो दोनों 100, फिर से ग्राफ पे आते हैं, ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वही वाला कंसेप्ट जो यहाँ पे हम लोग जो आइस वाला लगाए थे, वही वाला कंसेप्ट हम लोग यहाँ पे वेपर में भी लगाना है। ओके, अब जो 100 डिग्री बॉइलिंग वाटर है वो इस पोजिशन पे है, ठीक है, और जो 100 डिग्री स्टीम है जो वो इस पोजिशन या इसके ऊपर का पोजिशन है। अब स्टीम में लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन जो इस ड्यूरेशन पे जो हीट एब्जॉर्ब जो किया वो तो स्टीम के पास हीट है ना, एक्स्ट्रा हीट है, इसी कारण वो ज्यादा बॉइलिंग इफेक्ट करेगा, जो 100 डिग्री बॉइलिंग वाटर है वो कम करेगा क्योंकि स्टीम के पास लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है, ठीक है, एक्स्ट्रा हीट उसके पास है, इसी कारण से वो हीटिंग मतलब ज्यादा मतलब बर्निंग ज्यादा करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टीम, क्यों, कौन ज्यादा सेवरल बर्न करेगा, तो स्टीम करेगा, और आंसर हो जाएगा ड्यू टू स्टीम कंटेंस लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ज्यादा है जबकि वाटर के पास 100 डिग्री सेल्सियस पर रहने के बावजूद वाटर के पास नहीं। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, फॉर एनी सबस्टांस व्हाई डज टेम्परेचर रिमेन कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। तो जब चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है तो टेम्परेचर क्यों कॉन्स्टेंट रहता है, ठीक है। द टेम्परेचर रिमेन कॉन्स्टेंट, टेम्परेचर इसलिए कॉन्स्टेंट रहता है कि जितना हीट जो हम लोग सप्लाइड कर रहे हैं बाहर से वो सारा चला जाता है मैटर के स्टेट को चेंज करने में, दो बार होगा, सॉलिड से लिक्विड में और जब लिक्विड से गैसे स्टेट में जाएगा, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होगा। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के समय में जो हीट प्रोवाइड करेंगे वो एब्जॉर्ब कर लेगा स्टेट को चेंज करने में सॉलिड से लिक्विड में, उसी तरह से लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की बात करें तो वहां पर जो हीट प्रोवाइड करेंगे वो लिक्विड से गैसे स्टेट में चेंज स्टेट चेंज करने में वो हीट एब्सॉर्ब हो जाएगी, इसीलिए टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होता है, राइज नहीं करता है। थैंक यू वेरी मच, इसके अगला वाला पार्ट में इवेपोरेशन वाला हम लोग देखेंगे और जो रिमेनिंग पार्ट है वो हम लोग देखेंगे। थैंक यू वेरी मच, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, साथ साथ शेयर भी कर दीजिए, और आप नेक्स्ट पार्ट जो इसमें आ रहा है उस पर आप क्लिक करके अगले वीडियो पे भी जा, इसके नेक्स्ट पार्ट पे भी आप लोग जा सकते हैं। थैंक यू।